जौजा यानी के जैमनाए, इस हफ्ते आपको ये खुशखबरी मिलने का इम्कान है। कारोबारी अफराद को नई शराकत दारी का मौका मिलेगा जो आने वाले वक्त में उनके लिए कामयाबी का पैगाम है, लेकिन आपको बहुत ही समझदारी और एहतियात से आगे बढ़ना होगा। अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। इस हफ्ते आप अपना मसाइल इस तरह रखें जैसे आप एक मशहूर स्टार हैं। आपके तमाम काम काबिले तारीफ़ होंगे ताकि आने वाला वक्त आपके लिए दिलचस्प हो। आपकी सख्त मोहब्बत ही आपके अमाल में तब्दीली का बेहतरीन ज़रिया है। आपके काम काबिले तारीफ़ होंगे ताकि आने वाला वक्त आपके लिए दिलचस्प हो। आपकी सख्त मेहनत ही आपके अमाल में तब्दीली का बेहतरीन ज़रिया हो सकती है। इस हफ्ते अखराजात हद से बढ़ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा खर्च करना गुरेज करें, क्योंकि इस हफ़्ते कारोबारी अदायगियों के सिलसिले में भी परेशानी लाहक होने का इम्कान है। मसाइल को हल करने के लिए अपनों से उम्मीद रखना बेकार है, कोई गैर ही आपके काम आएगा। मजहबी तकरीब में शमूलियत का इस हफ़्ते मौका मिलेगा जिसमें एक आपको रूहानी और जहनी सुकून मिलेगा। मजहबी ख्याल आपको आप पर गलबा तारी कर देंगे। आप किसी नामवर बुज़ुर्ग से भी फैज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे। शादीशुदा अफराद को इस हफ़्ते असर नौ बातचीत का आगाज़ करना होगा ताकि ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात के हवाले से खुलकर बातचीत कर सकें। गैर शादीशुदा अफराद की मोहब्बत का मामला आगे बढ़ने और नया मोड़ इख्तियार करने का इम्कान है जिसमें कोई दोस्त तआवुन करेगा। मामलात को हल करने की कोशिश भी भरपूर होगी। इस हफ़्ते सेहत के हवाले से बुज़ुर्गों की तबीयत तशवीशनाक हो सकती है, इस बात को नज़रअंदाज किए बगैर डॉक्टर से रजू करें। हफ्ते के अख्ताम पर किसी ख़ास रिश्तेदार की तकरीब में शमूलियत का भी इम्कान है। आपका लकी नंबर है 4, लकी पत्थर जमूर्द, लकी रंग ब्राउन, हाकिम सियारा अतारद, अंसर मट्टी और आपका लकी दिन बुध है। बोझ असद यानी के लियो, इस हफ़्ते आप कुछ गैर ज़रूरी काम करने की कोशिश करेंगे, इस वजह से आपको कुछ दूसरे कारोबारी काम मुलतवी करने पड़ सकते हैं जिससे आपको कुछ हद तक परेशानी लाहक होगी। अपने तख्लीकी मंसूबों को अपनी सलाहियतों और अमली इकदाम से बढ़ाने की कोशिश करें। कुछ कारोबारी अफराद को इस हफ़्ते कर्ज के मामले में जो परेशानी थी हल होने का इम्कान है, लेकिन ज़्यादा मद में मज़ीद कर्ज लेने से गुरेज करें, वरना अपने वसाइल में रहकर ही गुजारा करना आपके हक़ में बेहतर है। इस हफ़्ते कुछ लोगों की बैरून मुल्क रुकी हुई रकम वसूल होने का भी इम्कान है। इस हफ़्ते कुछ माली मामलात को हल करने के लिए आप कानून की मदद लेंगे और किसी अहम भरोसामंद फर्ज से कानूनी मामले पर गुफ्तगू भी मतवक्को है जिससे बेहतरीन नतायज अखज़ होंगे, इसलिए दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचना होगा। इस हफ़्ते बच्चों पर पढ़ाई के हवाले से अपनी राय थोपने से बेहतर है कि आप उनकी राय जानकर उनकी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से कोई मशवरा करें, इसलिए आपकी ज़ाती ज़िंदगी आपको कुछ हद तक हैरान कर देगी। आप अपने ज़िंदगी के साथी को देखकर मुतहर्रिक हो जाएंगे। इसका खूबसूरत पहलू आपको उनकी तरफ रागिब करने पर भी मजबूर होगा और आपस की तमाम गलत फहमियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। इस हफ़्ते कुछ बिन बुलाए मेहमानों की आमद मतवक्को है जिसकी वजह से घरेलू ख़वातीन की अंदरून खाना मसरूफियत बढ़ने का इम्कान है और वो कुछ हद तक असाबी तनाव का शिकार भी हो सकती हैं। इस हफ़्ते ट्रैफिक के मामलात में बहुत ही एहतियात बरतना होगी ताकि किसी तरह की परेशानी से बच सकें। दौरान ड्राइविंग नागहानी चोट लगने का अंदेशा है। आपका लकी नंबर है 5 और 8, लकी पत्थर। बोझ मेज़ान यानी के लिब्रा, इस हफ़्ते आप काफ़ी बाहिम्मत रहेंगे, इसलिए आपको वो वक्ती नाकामी से मायूस नहीं होना चाहिए। अपनी कोशिश जारी रखें क्योंकि आपको इस हफ़्ते खुशकिस्मती के भी मौके मैसर होंगे। पेशावराना अफराद को आप आज इस हफ़्ते नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी जिसको बहुत ही लगन से निभाना होगा। बेरोज़गार अफराद को इस हफ़्ते रोज़गार मिलने का इम्कान है जिससे आपके बहुत से माली मसाइल हल हो जाएंगे। इस हफ़्ते कुछ कारोबारी अमूर में आपको इख्तलाफ राय का सामना हो सकता है जिसकी वजह से आपको कुछ हद तक बेचैनी और उलझन महसूस होगी।
इस हफ्ते कुछ माली लेन देन के हवाले से या कारोबारी कर्ज के हवाले से काफ़ी हद तक एहतियात बरतें, ताकि आप अपने माली मंसूबों के हवाले से अपने वादों को पूरा करके अपने शराकत दारों के भरोसे पर पूरा उतर सकें। जिन बच्चे बच्चियों के रिश्तों की बात चल रही है, इस हफ्ते कुछ ख़ानदान के लोगों की वजह से बात बिगड़ने का इम्कान है, इसलिए भरोसामंद लोगों से बातचीत करने करके तमाम मामलात को जल्द ही तय करने की कोशिश करें। ताखीर की सूरत में परेशानी हो सकती है। ख़ानदान के मेंबरान की जानिब से अच्छा मशवरा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस हफ़्ते मोहब्बत के मामलात बेहतरीन रहेंगे। महबूब या शरीक हयात को आप इस बात का यकीन दिलाएं कि आप इनसे किस कदर मोहब्बत करते हैं। इस हफ़्ते तालिब इल्मों को पढ़ाई के लिए सख्त मेहनत करना होगी, ताकि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकें। उनकी कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। इस हफ़्ते कुछ ख़ानदान के नाराज़ रिश्तेदारों को मनाने की कोशिश करें। कुछ बुज़ुर्गों की मदद से सुलह सफाई भी मुमकिन हो सकती है। आपका लकी नंबर है 4 और 6। लकी पत्थर संग यश, लकी रंग सफ़ेद, हकीम सियारा जोहरा, अंसर हवा, और आपका लकी दिन जुमा है। बुज हौत यानी के पाइसेस। इस हफ्ते कुछ लोगों के माली मामलात के हवाले से आपस के ताल्लुकात ख़राब होने का इम्कान है, और जल्द ही ये इख्तलाफात खुलकर सबके सामने आ सकते हैं। लेकिन आपकी सलाहियतें लोगों को मुतासिर करेंगी, जिसकी वजह से आपकी मुलाकात एक बहुत ही समझदार और काबिल शख्स से मतवक्को है, जिससे पेशावराना कामयाबी और फ़ायदा उठाने का भी इम्कान है। इस हफ्ते टैक्स और बैंक वगैरह के मामलात हल होने का भी इम्कान है। माली लेन देन के लिए इस हफ़्ते आपको बहुत ही भरोसामंद लोगों से मामला डिस्कस करने होंगे। नए लोगों के साथ हाथ मिलाने से पहले सोच समझ के, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया वालों की दोस्ती बाद में परेशानी का सबब हो सकती है, इसलिए आपको हर मौके पर सोच समझकर कदम उठाना होगा। इस हफ्ते नए नौजवान बेरोज़गार लोगों को एक हवाई महल और ख्याली पुलाव बनाने से बेहतर है कि ख़ानदान वालों को कुछ करके दिखाएं, ताकि वो आपकी सलाहियतों से मुतासिर हो सकें। तालिब इल्मों को अपनी तालीमी कारकर्दगी में तब्दीली लाने के लिए काफ़ी हद तक कोशिश करना होगी, ताकि मेहनत रंग दिखाकर सबको हैरान कर दे और आपको कामयाब बना दे। इस हफ्ते मोहब्बत के मामले में कुछ लोग मायूस रहेंगे, मोहब्बत की चोट उनको परेशान कर देगी। जल्दी ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश करना होगी। शादीशुदा अफराद इस हफ्ते अपने आपस के मामलात को बेहतर बनाने और ससुराल में अपना खुशगवार ताल्लुक बनाने में कामयाब होंगे। हफ्ते के आखिर में बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ सैर व तफरी और अच्छा वक्त गुजारने का प्रोग्राम बनने का भी इम्कान है। इससे आपको आपके अज़वाजी ताल्लुकात में मुसर्रत और खुशगवार तब्दीली का तोहफा मिलेगा। आपका लकी नंबर है 5 और 8। लकी पत्थर लाल रंगदार, लकी रंग अरगवानी, हाकिम सियारा नेपचून, अंसर हवा, और आपका लकी दिन जुमा है।